अरे ये क्या चीज है। और इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उन्होंने एक सुंदर स्टोरी गुरुदेव प्राय करके एक कथा को गुरुदेव सुनाया करते थे। बोले एक समय कोई एक जादूगर किसी राज दरबार में आकर के उन्होंने बोला, आज हम जादू विद्या आपको दिखाएंगे। सारी जनता वहां पर इकट्ठे हुए, राजा रानी मंत्री सबके सब वहां पर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के उसने इतना सुंदर जादू विद्या हाथ की सफाई दिखाई है, जिसको देख करके राजा रानी सब उस समय निहाल गए। बोले वाह क्या सुंदर उन्होंने दिखाया। रानी प्रसन्न होकर के अपना गले में एक हार थी, उसने वो हार किया कि वो जादूगर उसकी पत्नी और उसका दो बच्चे थे, उसने वो अलंकार को उन्होंने उसकी पत्नी को दे दिया। खुश होकर के उसको दो बेटे थे, उन्होंने एक साथ में वो अलंकार को लेने के लिए झपट पड़े। दोनों ही वो अलंकार को पकड़ करके कहते, ये हमें चाहिए, कहते ये हमें चाहिए, अभी कोई छोड़ना नहीं चाहते। और दोनों के पास में था तलवार, दोनों को अंदर में क्रोध आया और उन्होंने तलवार को निकाले, निकाल करके उन्होंने दोनों दोनों को ऊपर चलाया तो बास दोनों का सर शरीर से अलग हो गया, लहू लहान हो गया। पत्नी ने देखा जब मेरे बेटे ही चले गए, फिर रह करके क्या लाभ। उसने भी तलवार निकाला, अभी अपना सर को काट दिए। पत्नी ने देखा जब दोनों बच्चे और पत्नी चली गई, फिर मेरे अग्र क्या करूंगी, वो भी तलवार लेकर अपना सर को वहीं काट दी। वहां पर एकदम लहू लहान हो गया। राजा ने देखा, रानी ने देखा, मैंने क्यों ये हार दे दिया, ये हार की वजह से देखो कितना अनहोनी हो गई, कितने अनहोनी हो गई। राजा दुखी होकर के बोले, काम करो, ये शरीर को लेकर संस्कार करवा दो। शरीर को संस्कार करवा दिया। इतने में 2 दिन बाद में एक लेटर आया, बोले महाराज महारानी हमारा प्रणाम स्वीकार हो, मैं पहला दिन आपका राज दरबार में जो हाथ की हमने सफाई दिखाई थी, आपने तो खुश होकर के एक हार प्रदान किया, लेकिन अंतिम जो जादू विद्या हमने दिखाई अपना हाथ की सफाई, अभी तक तो आपने हमें कोई पुरस्कार दिए नहीं, हम मरे ही नहीं, हमारा ये एड्रेस है, हम पत्नी और बच्चों को साथ में बढ़िया से है, इसलिए अंतिम जो हाथ की सफाई हमने दिखाई उसका कुछ उपहार लेकर के आओ। राजा तो पत्र पढ़ करके बोली, ये क्या, हमारे सामने मर गए, संस्कार करवाया, अभी जिंदा है, रानी को बुलाया, पत्र दिखाया, मंत्री को बुलाया, पत्र दिखाया, सब सुन करके इतने आश्चर्य हुए। बोले अभी जिंदा है, अभी जिंदा कैसे। बोले चलो हम देखने के लिए। जब देखने के लिए आए, देखा वो पान चिबाते हुए पत्नी बच्चों को साथ में हंसते हंसते आ रहा है। और राजा के गला में एक फूल की माला डाली। तब तो गुरुदेव प्राय करके महाराज जी कथा सुनाया करते थे। बोले देखो एक जादूगर है, अगर हो करके इतना सुंदर हाथ की अगर सफाई वो दिखा सकता है, और जिन्हें खुद जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधात विभीत वर्णम जत ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी केवल एक इच्छा मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए है, जिनकी एक एक लोम कूप में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, वो क्या नहीं दिखा सकते, वो क्या नहीं दिखा सकते। इसलिए जो कुछ दिखाया उन्होंने, जदुवंशियों में आपस मर गए, कृष्ण शरीर छोड़कर चले गए, केवल इनका एक एक हाथ की सफाई थी, तत्व तो कृष्ण कहीं नहीं गए हाँ, एक जादूगर दिखा सकते, वो क्या नहीं दिखा सकते। इसलिए वहां पर 2-3 तरह का भावना आती है। जो साधारण लोग है, अब लोग प्रभास गए हो, कौन कौन प्रभास गए, नहीं गए ना, द्वारका नहीं गए आप लोग, अभी भी वहां पर एक स्थान है, जो स्थान को दिखाते कृष्ण को जलाया दिया है, अभी एक स्थान वहां पर है, अंतिम समय में कृष्ण को यहीं पर जलाया दिया गया है। कहते जो साधारण व्यक्ति लोग थे, उन लोगों ने क्या देखा, कृष्ण के चरण में बाण मारे और कृष्ण शरीर छोड़ दिया, ये साधारण देखा। लेकिन उन्होंने देवता लोग ने क्या देखा, बोले 3 तरह का 3 व्यक्ति देखे हाँ, जिसको विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं। कहते जो जो थोड़ी सी देवता लोग ने क्या देखा, सारे देवता लोग आए देखने के लिए कृष्ण कैसे अंतर ध्यान लीला प्रकाश करेंगे। देवता लोगों ने देखा जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे एक चमक निकला और कृष्ण कहाँ अंतर ध्यान हो गए।
लेकिन ब्रह्मा और शंकर ये जो दो देवता ने, कहते इन लोगों ने सही चीज को देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी ये महाभागवत है और शंकर जी परम वैष्णव है। कहते जो परम वैष्णव है, कहते वो क्या देखे है, ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु है ब्रह्मा जी, और शंकर जी है ये परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु। कहते इन लोगों ने केवल सही चीज के देखा देखा, इन्हीं के लिए गोलोक वृंदावन से विमान आया, अब विमान में कृष्ण बैठे और उन्हें सारे लोगों को पार करते 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 धीरे 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 ब्रह्म लोगों को पार किया, ब्रह्मा भी स्वागत की, शिव लोगों को पार किया, शंकर भी स्वागत की, करते करते उन्होंने कहाँ गए, करते 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 कहाँ पर गए, उन्होंने अपना निज गोलोक वृंदावन में चले गए, हैं गोलोक वृंदावन में चले गए। इसलिए यहाँ पर दिखाते हैं जो कृष्ण का जो मौसल जो लीला दिखाया है वो केवल एक जादू विद्या दिखाना भगवान को था, हाँ और कुछ नहीं। फिर उसको बाद में एकादश स्कंद की जो द्वितीय अध्याय है, जो प्रथम श्लोक, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जिस श्लोक को कहा हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, जब जब हमारे गुरुदेव कहीं भी कथा शुरुआत करते थे, कहीं भी कथा शुरुआत करते थे महाराज जी इसी श्लोक से शुरुआत करते, कहीं भी उन्होंने कथा सारा दुनिया में कहीं उन्होंने कथा बोले कहते यही श्लोक से वो शुरू करते थे, प्रारंभ था यही श्लोक है, और पूरा श्लोक नहीं बोलते थे, बोलते था हमारे जो भक्ति प्रज्ञान कैसा कोई भी श्लोक वो पूरा नहीं बोलते थे, केवल श्लोक का थोड़ा हिंट दिया, जब हिंट देते थे और भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज ये तो डिक्शनरी थे, उनको सारे श्लोक भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे, बोले मुझे इतने श्लोक याद, इतने श्लोक याद, कंटिन्यू अगर मैं 7 दिन तक बोलूँ ना ये श्लोक समाप्त नहीं होगा, मतलब इतने श्लोक उनकी याद था, इतने श्लोक उनकी याद थी। इसलिए कहते जब भक्ति प्रज्ञान केशव को पहले जो श्लोक बोल के थोड़ी खत्म कर देते थे और ये पूरा है, कहते ये पूरा श्लोकों को यही बोलते थे, जो ये पूरा श्लोक को बोलते थे तब ये पूरा श्लोक को बोल देते थे, लेकिन उन्हें केवल एक हिंट दे करके बाप उन्होंने उसको बाद में। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जो क्लास है बहुत दार्शनिक क्लास था, उनने केवल एग्जाम्पल दे करके, हाँ केवल एग्जाम्पल दे करके केवल बताया करते थे, सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे करके। कहते श्लोक क्या है, बोले गोविंद भुजो गुप्तायाम द्वारा बत्याम कुमुद बह आबासत सीत दो अभिक्षणम कृष्ण उपासना लालस। कहते गोविंद भुजो गुप्तायाम, कहते नारद जी के ऊपर में अभिशाप लगा, नारद जी को अभिशाप लगा, बोले अभिशाप क्यों लगा, बोले जब ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ, पहले था मानस एक सृष्टि, तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को उन्होंने जन्म दिए, जन्म दे करके पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे, तब तो उन्होंने उनको गुरुकुल में भेज दिया, बोले गुरु कौन है, बोले गुरु श्री नारद जी गुरु है। जब नारद जी को पास में उन्होंने विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो नारद जी सारे विद्या को अध्ययन कराया, अभी उनका विद्या पढ़ाई समाप्त हो गई, अभी वो वापस आएंगे अपना घर में। नारद जी कहते देखो तुम संसार में जा रहे हो, समझ बूझ करके जाओ, हैं समझ बूझ करके संसार में जाओ, क्योंकि एक बार वहां फंसने का बाद है ना फिर निकलना नहीं हो पाता है, अगर तैरना नहीं जानता, अगर गहरा पानी में छलांग लगा क्या होगा, डूब करके मर जाओगे, इसलिए पहले तैरना सीखो फिर तो पानी में छलांग लगाओ, है नहीं तो क्या होगा, तो डूब करके उसमें मर जाओगे, इसलिए जिस संसार में तुम जा रहे हो उनका समझ बुझ करके वो संसार में जाओ। फिर नारद जी फिर उनको कूट प्रश्न करते हैं, हाँ बड़े कूट प्रश्न करते हैं उनको नारद जी, इसलिए बोले बताओ तो कौन सा ऐसे चक्र है जो बिना घुमाए अपने आप घूमती रहती है, बोले गुरुदेव बगैर घुमाए कोई चक्र थोड़ी घूमती है, चक्र को तो घुमाना पड़ता ही ना, बोले तो यही तो बात है, जो चक्र को कोई नहीं घुमा रहे हैं लेकिन वो चक्र अपने आप वो चक्र घूम रही है, बताओ कौन सा चक्र, बोले ये काल चक्र है, जिसको कोई नहीं घुमा रहे हैं वो चक्र अपने आप ही चक्र घूम रही है, पता नहीं कब जन्म हुए, धीरे धीरे बड़े हो गए, लिखाई पढ़ाई किया, खेल कूद किया, नौकरी चाकरी शादीशुदा बच्चे हुए, आज राम नाम
सत्य है। ये चक्र कोई घुमा नहीं रहे, वो चक्र अपने आप घूम रही है। ले बताओ तो सभी का चक्र तो घूमती है, लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूमते नहीं, पूरा एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो चक्र घूम नहीं रही है, लेकिन सभी का चक्र घूमती जा रही है, लेकिन एक का चक्र घूमते नहीं। बोले किसकी चक्र नहीं घूमती है? इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं आयुर भरत वही पुंसान उद्धत च अस्तन च जसो तस्सरिते जम खणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। केवल उसकी ही जीवन चक्र घूमती नहीं, बोले किसकी है? बोले ये सूरज है नहीं, ये काल है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिमी दिशा में अस्त हो जाता है, ये सबका परमाई को नष्ट कर रहा है। हम कह रहे हैं ना लाला तो बड़े हो रहा है, बोले कोई बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे। कहते लाला 10 साल का हो गया, 10 साल का नहीं हुआ, वो 10 साल उसका चला गया, खत्म हो गया है, लेकिन हम क्या कहते हम तो बड़े हो रहे। हम कोई बड़े नहीं हो रहे, क्या हो रहे? हम सब के सब छोटे हो रहे, छोटे हो रहे। इसलिए उन्होंने बोले सभी का काल चक्र तो घूम रही है, लेकिन एक का काल चक्र नहीं घूम रही। बोले किसकी काल चक्र नहीं घूम रही है? बोले तस्सरिते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितने समय भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में, भगवान की भजन में, भगवान का भक्ति में, उनके नाम जप में जितना समय हम लगा रहे हैं, केवल उतना समय ही उसका ही जीवन चक्र घूम नहीं रहे, वो चक्र एक जैसे को तैसे घड़ी है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं काल को सारा दुनिया डरता है, कौन नहीं डरता बता काल को? मरने का नाम सुनते ही हम उसमें कांप उठते हैं, लेकिन काल भी किसको डरता है बताओ तो? काल किसको डरता है? काल किसको डरता है? हाँ, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? बोले भगवान का जो भक्त है ना, हाँ, भगवान की जो भक्त है, जो व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, काल चक्र उसको ही देख करके, ये काल चक्र उसको ही डरता है। ये सभी का चक्र घूम रही है, लेकिन तस्सरिते जम खणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता या, केवल भगवान के जो भक्ति करते उनका चक्र नहीं, उनका चक्र एक जगह पर है। उनका दूसरा प्रश्न है बताओ तो कौन सा ऐसा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? बोले हंस को देखा कि नहीं? हंस कोई बोलता है? कहते वो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? बता सकते कौन सा हंस है? बताओ तो कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? बोले ये हमारा वेद है, भागवत है, गीता है, हैं? ये विचित्र विचित्र बात करता है। बोले ये क्या विचित्र बात करता है? ये कौन सा विचित्र बात करता है? हैं? कहते भैया तुम यहाँ के है ही नहीं, लेकिन हम तो यहाँ दुकान मकान बनाकर बैठ गए, हमारे हाथ में सारे कागज पत्र इसका है, हम इसका मालिक है, हैं? ये हमारे संसार है, ये हमारा संतान, ये बच्चे पत्नी है, हैं? लेकिन हम कहते हैं ना, लेकिन ये शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है? भैया तुम यहाँ के है ही नहीं, हैं? इतना कि ये नहीं तुम्हारा ये घर भी नहीं तेरा है, एक दिन ये सारा दुनिया को तेरे को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो अभिमान है हम यहाँ केवल यहाँ के नहीं हो, इसलिए अपना घर में लौट चलो, बैक टू गॉड हेड, अपना घर में लौटो, हैं? इसलिए तुम यहाँ के है ही नहीं, इस जो चीज देखते हो ये सब के सब ये माया है, हैं? इसलिए वो विचित्र विचित्र बात करता है। एक दिन श्री कृष्ण सुदामा जो उज्जैनी गए हुए थे, एक दिन वो जा रहे थे स्नान करने के लिए, इतने में सुदामा ने कृष्ण से पूछा, बोले कृष्ण ये दुनिया क्या कहते, तू भगवान हो? तू भगवान हो? और सारा दुनिया कहता है भगवान ये कठपुतली जैसे ये सारा दुनिया को नचा रहे, तू ये दुनिया को तू ही नचा रहे हो तू? और कहते ये हाँ कृष्ण की ये विचित्र माया देवी जैसा गुणमय मम माया दुरतया है, कहते तुम्हारी जो माया है इसको कोई भी ये माया को पार नहीं पा सकते। कृष्ण थोड़ी सी अपना माया तुम्हें दिखा दो, तुम्हारी माया कैसे? कृष्ण ने कहा देखो समय आने पर मेरी माया में दिखा दूंगा। वो दोनों जा रहे थे समुद्र में स्नान करने के लिए,
इतने में जो ना दोनों हाथ पकड़ के जब उनने गोता लगाया ना, इतने में एक लहरी आई, इतने जोर से झपटा मारी उसको, पूरा कृष्ण का हाथ से उसको अलग कर दिया। अभी पानी में तैरते हुए, डूबते हुए, बहते हुए, करते 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 बेहोश हो गया। और उसका जो होश आया ना, देखा एक सुंदरी राजकुमारी हाथ में फूल की माला लेकर के आई और उसको गला में डाल दी। बोले सुंदरी तू है कौन? बोले ये राज्य का मैं रानी हूँ, देख जो राजमहल है ये मेरी महल है, चलो मेरे साथ में। अभी वो राजकुमारी उसको लेकर के अपना महल में गए और दोनों बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे। हाँ, उनको कुछ बच्चे भी हुआ। एक दिन सुनामी आया, ऐसे सुनामी आया वो राजमहल को उसने डुबा दी। और देखते देखते जो प्राण के जो प्यारे जो बच्चे, देखते देखते उसको सामने डूब डूब कर मर रहे थे। कोशिश कर रहा था बचाने के लिए लेकिन किसी को ही बचा नहीं पाया। देखा जो सबसे प्यारी जो राजकुमारी भी उसको सामने देखते देखते मर गई। और इतना घबराया हुआ, बच्चे गए, पत्नी गई, दुनिया गया, इतने में एक झपटा मारा तो उसको लहरी की, पता नहीं वो कहां से कहां चला गया। फिर देखा वो कृष्णा सुदामा दोनों हाथ पकड़ कर पानी में डूबे थे ना, जब दोनों ऊपर आए, जब दोनों उठे, वो सुदामा कांप रहा था शरीर। कृष्ण ने कहा सुदामा क्या कर तू कांप रहे क्यों? बोले प्रभु मैंने क्या देखा, मैंने अक्के बक्के चके हो गए, हम तो गुरुकुल से स्नान करने के लिए आए थे हैं, और इतने समय में क्या हुआ, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और सबके सब मर भी गए। ये सबके सब इनकी मर भी गए। बोले कृष्ण हमने क्या देखा, हम तो गुरुकुल से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे।